नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं से दलित और गैर हिंदुओं के बीच जाकर ज्यादा काम करने की बात कही। साथ ही गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिदों में जाकर लोगों से संपर्क करने की कही बात। अमरोहा पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान भाजपा नेता और अधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। मुरादाबाद में धर्म परिवर्तन को लेकर हुआ हंगामा। एक वैन में चर्च जा रही महिलाओं को आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने रोका, कहा सभी को 2.5 लाख रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया जा रहा था चर्च। रामपुर के पीएससी में आयुष्मान भवे अभियान के तहत एक कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्य अतिथि धामपुर विधायक अशोक कुमार राणा व ब्लॉक प्रमुख अल्लयपुर क्षमा हेमलता चौहान द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम में आयुष्मान कार्डो को वितरित किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली व अन्य अधिकारियों द्वारा बिजनौर पुलिस लाइन में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की गई समीक्षा बैठक। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सिहारा के बुढ़नपुर में स्वास्थ्य मेले का भव्य उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान व भाजपा नेता विनीत देवरा और सीएससी प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर ने फीता काट कर किया। स्वास्थ्य मेले में विभिन्न प्रकार की जांचें, दवाई और आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जलीलपुर ब्लॉक के निवासी विशाल सैनी को दिल्ली में बॉलीवुड एक्टर नेहा धूपिया द्वारा टेरोट कार्ड में बेस्ट अवार्ड देकर किया गया सम्मानित। विशाल सैनी ने अवार्ड पाकर बिजनौर जिले का नाम किया रोशन। बिजनौर के ग्राम जोधू वाला में नए मकान पर बिजली कनेक्शन खिंचवा रहे पीड़ितों पर पड़ोसियों ने रंजिशन बोला हमला। दबंगों ने बुजुर्ग युवक को हमला कर किया गंभीर रूप से घायल। हमलावरों ने बुजुर्ग को अकेला व असहाय देख दिया घटना को अंजाम। बिजनौर के गांव झलरा में राष्ट्रीय किसान यूनियन की बैठक हुई संपन्न। बैठक में राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर ने अतिथि के रूप में की शिरकत। शेरकोट के पीएचसी में आयुष्मान भवन अभियान के तहत एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंगल द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इस दौरान आयुष्मान कार्डो का किया गया वितरण। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में बिना सहमति के कब्रिस्तान के गेट के सामने बनाई जा रही सरकारी गल्ले की दुकान का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्राम पंचायत सदस्य की बिना सहमति के सरकारी गल्ले की बनाई जा रही थी दुकान, निर्माण रुकवाया गया। चांदपुर के ग्राम गोयली सादात में एक व्यक्ति को दो युवकों द्वारा लाठी डंडों से बुरी तरह पीटने का वीडियो हो रहा वायरल। पीड़ित ने उसे पीटने की वजह जमीन हड़पने का मामला बताया। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ के संपूर्ण प्रदेश की सहकारिता चुनाव के माध्यम से निदेशक निर्वाचित होकर आए धामपुर विधायक पुत्र प्रियंकर राणा को दी शुभकामनाएं, प्रशंसकों में दौड़ी खुशी की लहर। अफजलगढ़ पीएससी प्रभारी कासमपुर गड़ी में आयुष्मान भव्य स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन। मेले में 126 मरीजों की डेंगू मलेरिया आदि की गई जांच। जांच में अधिकांश सामान्य बुखार के पाए गए मरीज, वहीं 60 पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कलियर वाले बाबा की जियारत के लिए 360 किलोमीटर पैदल सफर कर रहा है सलीम दीवाना। बदायूं से कलियर शरीफ जा रहे सलीम दीवाने इस लंबे सफर को अपने साथी मोहम्मद आदिल के साथ पैदल कर रहे हैं तय। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की बाउंड्री में घुसा, कई घंटे लगा रहा जाम, बड़ा हादसा होने से बचा। बिजनौर के नूरपुर में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की बाउंड्री पर लटक गया, जिसके कारण हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। गनीमत ये रही कि उस समय ट्रक की चपेट में कोई दूसरा वाहन नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि भूसे से भरा ट्रक संभल के रजपुरा से आ रहा था, जो कि धामपुर मिल में जा रहा था। इस दौरान नूरपुर की गोरक्षाधाम पुलिस चौकी के निकट पड़ने वाले पुल पर अनियंत्रित होकर बाउंड्री में घुस गया। ये हादसा लगभग बीती देर रात हुआ। आपको बता दें कि पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से पुल पर कई घंटों जाम लगा रहा, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और दूसरा ट्रक बुलवाकर भूसा उसमें भरवाया और ट्रक को पुल से हटवाया। बताया जा रहा है कि ट्रक अगर बाउंड्री में नहीं घुसता तो कई छोटे वाहन ट्रक की चपेट में आ सकते थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने कई घंटों की मेहनत के बाद जाम खुलवाकर पुल को चालू करवा दिया है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मतीन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? संभल। अच्छा, ये जो ट्रक आज बांध के पुल से टकराया हुआ है, क्या है मामला? रात में टायरेट की गोली टूट गई ड्राइवर से, गाड़ी हादसे हो गए, एक्सीडेंट हो गया, पुलिया में लग गई। किसी के चोट तो नहीं आई? ना चोट किसी के, ना कोई जानी नुकसान। ये कहाँ से कहाँ जा रहा था ट्रक? रजपुरा से धामपुर करने जा रहा था, करने ही कोई ले गए। जलीलपुर ब्लॉक के निवासी युवा विशाल सैनी को दिल्ली में बॉलीवुड एक्टर नेहा धूपिया द्वारा टैरोट कार्ड में बेस्ट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। दरअसल विकास खंड जलीलपुर के वार्ड नंबर 3 जिला पंचायत सदस्य सरिता सैनी पत्नी कमल सैनी के बड़े बेटे विशाल सैनी को कल दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 13 में होटल रेडिसन ब्लू में ब्रांड इम्पैक्ट संस्था द्वारा किए गए आयोजित प्रोग्राम में विशाल सैनी 23 वर्ष की उम्र में टैरो कार्ड रीडिंग एवं आध्यात्मिक उपचारात्मक में बेस्ट कार्य करने पर बॉलीवुड एक्टर नेहा धूपिया द्वारा राइट चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशाल सैनी ने इस अवार्ड को मिलने से बिजनौर जिले का नाम रोशन किया। विशाल सैनी ने इस अवार्ड का श्रेय अपने गुरु जगमोहन सचदेवा एवं अपने माता पिता को दिया। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। त्योहारा में जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के खास उद्देश्य से आयोजित चलाई जा रही आयुष्मान भव योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुरहानपुर में स्वास्थ्य मेले का भव्य उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान, भाजपा नेता विनीत देवरा, देशबंधु चौहान व सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर द्वारा फीता काटकर किया गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर विशाल दिवाकर ने बताया कि इस स्वास्थ्य मेले में सभी को विभिन्न प्रकार की जांचें, दवाएं मिलेगी तो साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। उन्होंने सभी से इस स्वास्थ्य मेले में आकर स्वास्थ्य लाभ लेने की अपील की है। इस मौके पर भाजपा नेता व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।
स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विशाल दिवाकर, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवारा। जैसा कि आपको अवगत है कि आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत आयुष्मान मेला का आयोजन प्रत्येक शनिवार को SWC सेंटरों पर और प्रत्येक रविवार को CSC और PSC पर आयोजित किया जाना है। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ ब्लॉक में सहसपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर, बुढ़नपुर, सिवहारा और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिवहारा, चार जगह आज इस आयुष्मान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त प्रकार की जांचें बाहर के चिकित्सक, पीडियाट्रिशियन, डेंटिस्ट और जितने हमारे सिवहारा के लोकल डॉक्टर्स हैं उनको भी इन्वाइट किया गया था, जिससे कि जनमानस को लाभ पहुँचाया जा सके। मेन उद्देश्य जो आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ चल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के जिसमें नाम थे उन लोगों के रह गए वो बनवा सकते हैं। और नया नियम जो शासन के अनुसार आया है, जिसके राशन कार्ड में 6 यूनिट या 6 से ज़्यादा यूनिट हैं वो भी अपना आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य मेला का आयोजन ये हर रविवार किया जाएगा? ये अभी जो गाइडलाइन आई है अभी दिसंबर तक तो किया जाएगा, पहले से हमारे चल रहे थे CSC में दिसंबर तक के लिए आया है, अभी प्रत्येक रविवार चलेगा। शेरकोट के मोहल्ला अफगान के PHC में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान उर्फ बॉबी ने नवनिर्माण बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। शेरकोट के PHC में आयुष्मान भव अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल का PHC प्रभारी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल द्वारा आयुष्मान कार्डों को वितरित किया गया। आयुष्मान कार्ड पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर शरद चंद शर्मा, चौधरी संसार सिंह शेरकोट, भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मवीर सिंह, अंकुर जैन, कामेश्वर राजपूत, रणजीत सिंह दारा, दिनेश सैनी, प्रदीप कुमार यादव, विजयपाल सैनी, अल्पसंख्यक भाजपा मंडल शेरकोट अध्यक्ष दिलशाद अहमद, नवनीत राजपूत, खुर्शीद आलम अंसारी, अमिश रस्तोगी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। सरकार द्वारा सभी हॉस्पिटल जो हमारी PSC हैं या CSC भी हैं उनमें सब में जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाए गए हैं और उनमें निःशुल्क जो है सरकार द्वारा उसमें जाँच हो रही है। और एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है जांच के साथ साथ स्वास्थ्य के आयुष्मान कार्ड जो हमारी आम जनता के लिए इतना लाभकारी है। आयुष्मान कार्ड हमारे इस समय सरकार ने योजना चलाई है कि जो 6 यूनिट हैं उस 6 यूनिट से ज़्यादा अगर कोई भी व्यक्ति है तो उनके सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। और आप सब लोग भी जानते हो कि जब से आयुष्मान कार्ड योजना चली है तो उसमें क्या है 5 लाख तक का लाभ कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो सरकार द्वारा उसको मरीज को मिलता है। तो मेरा मानना है कि पहले लोग इतने परेशान रहते थे, जो बेचारे अपना इलाज नहीं करा पाते थे, आज लोग इतने खुश हैं इस योजना से। और मेरा अपना व्यक्तिगत भी मानना है कि आयुष्मान योजना जो है वो इतनी बड़ी योजना है, इतनी लाभकारी योजना है कि लोग जब बीमार होता है किसी के घर में कोई और इलाज के लिए पैसे नहीं होते और वो जब इधर उधर बगल झांकता है तो कोई थोड़ी बड़ी मदद तो कर देता है लेकिन प्रॉपर किसी व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा काम करा है आयुष्मान कार्ड बनाने का और इसके द्वारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में फ्री में सरकार की तरफ से होता है, तो ये बड़ी योजना है। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद मार्ग स्थित गांव झलरा के मदरसे में राष्ट्रीय किसान यूनियन की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर के सामने ग्रामवासियों ने PNC कंपनी द्वारा बनाई जा रही सड़क पर गांव के सामने क्रॉसिंग न देने की बात रखी। इसके बाद किसान नेता महिपाल सिंह तोमर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव झलरा के सामने सड़क पर क्रॉसिंग का मुद्दा बिजनौर DM के सामने रखा जाएगा।
समस्या का समाधान न होने पर राष्ट्रीय किसान यूनियन उग्र आंदोलन करेगी। हालांकि इस बीच राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर ने गांव झलरा निवासी शहजाद को युवा जिला उपाध्यक्ष व रईस अहमद उर्फ नवाब को जिला सह प्रभारी मनोनीत किया है। कार्यक्रम में गांव झलरा सुवाहेड़ी व क्षेत्र के दर्जनों गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आज पहले तो हम झलरा वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने मजदूर किसान गरीब दबे कुचले को जोड़कर संगठित होकर और जो भी इस समाज की हमारे परेशानी दिक्कत होगी अपने साथ लगाकर समस्या का धरने प्रदर्शन के द्वारा अधिकारियों से कहकर या ज्ञापन देकर ये हल कराना है, इनका समस्या का समाधान कराना और अपने लोगों को जोड़ना है, अच्छे समाज की सेवा करनी है, अच्छे लोगों को समाज के लिए जागृत करना है। वर्तमान में भाजपा की नीतियों से कितनी सहमत है? हम बिल्कुल सहमत नहीं, हमारी यूनियन कोई वो नहीं करती। तो क्या सड़क क्रॉसिंग का मुद्दा अगर नहीं मानी किसी ने तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम इसके लिए डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इस रास्ते को पूरे जोर शोर से उठाएंगे और दिलवा कर छोड़ेंगे। जनपद बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम अनायतपुर में सरकार द्वारा सरकारी गल्ले की दुकान का निर्माण किया जाना था, जिसमें ग्राम प्रधान मनवर मलिक ने ग्राम पंचायत सदस्य की बिना सहमति के दुकान का निर्माण आबादी के बाहर कब्रिस्तान के गेट के सामने करवाना शुरू कर दिया, जिसमें ग्रामीण और ग्राम पंचायत सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य रुकवा कर दूसरी जगह ग्राम समाज की भूमि पर सरकारी गल्ले की दुकान बनाने की मांग की है। डीला भूरे सिंह ने भी कब्रिस्तान के गेट के सामने दुकान बनने और गल्ले की गाड़ी मौके पर न पहुंचने से आपत्ति जाहिर की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान मनवर मलिक और ठेकेदार सोनू से दुकान का निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया, लेकिन प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए काम शुरू करा दिया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काम को रुकवा दिया। आबादी के बाहर कब्रिस्तान के गेट के सामने दुकान का निर्माण कराया जाने से आबादी के बाहर गुलदार का खतरा भी है और यहां आए दिन कब्रिस्तान को लेकर विवाद होने की संभावना है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आपका मुकेश कुमार प्रजापति, ग्राम विनायतपुर बढ़ापुर विधानसभा 19 मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा। विरोध करने का कारण ये है महोदय, यहां पे कब्रिस्तान आ रहे हैं सामने और जंगल है, बियाबान जंगल रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आ रही है साइड में, तो इस बेस पे ये लोग विरोध करना उनका उचित है और करना भी चाहिए। हाँ ये सत्य है, ये लोग मेरे पास आए, ये लोग जितने भी मेंबर थे ग्राम वार्ड के ये लोग मेरे पास आए और लोग भी आए थे काफी, उन्होंने मुझसे ये समस्या का समाधान रखा। मैंने कहा ये बात आपकी आगे इस दिन साहब तक हम लोग पहुंचाएंगे। क्या होना चाहिए इसमें, क्या इसका निस्तारण होना चाहिए? दुकान गल्ले की यहाँ ना बनकर कहीं अलग चेंजिंग की जाएगी। अफजलगढ़ पीएचसी प्रभारी कासमपुर गढ़ी डॉक्टर खालिद अख्तर ने बताया कि पीएचसी कासमपुर गढ़ी पर आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में 126 मरीजों की डेंगू मलेरिया आदि की जांच गई। जांच में अधिकांश सामान्य बुखार के मरीज पाए गए, जिनको दवाइयां दे दी गई। इसके अलावा 60 पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। इस अवसर पर संजय ममता कर्णवाल, विमलेश देवी, हेमंत कुमार आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। मेले का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख अफजलगढ़ प्रदीप कुमार बबली ने फीता काटकर किया। उन्होंने सभी से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। धामपुर केपीएचसी में आयुष्मान भव अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि धामपुर विधायक अशोक कुमार राणा व ब्लॉक प्रमुख अलहीपुर क्षमा हेमलता चौहान द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अशोक कुमार राणा व ब्लॉक प्रमुख अलहीपुर क्षमा हेमलता चौहान का पीएचसी प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार स्नेही ने बुके भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम में धामपुर विधायक अशोक कुमार राणा व ब्लॉक प्रमुख अलहीपुर क्षमा हेमलता चौहान द्वारा आयुष्मान कार्डों को वितरित किया गया। आयुष्मान कार्ड पाकर सभी लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। सभी लाभार्थियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।